हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली लेबर वेलफेयर फंड के बारे में। तो ये एक्ट में क्या क्या अप्लीकेबिलिटी होती है, कितनी कंट्रीब्यूशन रेट होती है और रिटर्न आपको कैसे सबमिट करनी है, विथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो। तो दिल्ली लेबर वेलफेयर फंड के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके रूल्स और डिडक्शंस रेट, कंट्रीब्यूशन, रिटर्न लास्ट डेट और अभी जो नया अमेंडमेंट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि इसका रूल्स कब पे एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये दिल्ली लेबर वेलफेयर फंड एक्ट आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपकी कंपनी के अंदर अगर किसी की भी सैलरी अगर 2500 से अगर ज़्यादा है तो वो भी सब पे आप पे ये आप डिडक्शन जो है वो एप्लीकेबल होना है। तो इसमें सभी आपके एम्प्लॉय कवर होंगे, क्योंकि जो दिल्ली का मिनिमम वेजेस है वो 19,000 रुपये से ज़्यादा है, तो इसमें सभी आपके एम्प्लॉय कवर्ड होंगे। तो लेबर वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन रेट क्या है? दोस्तों, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेट है वो 0.75% और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेट है वो 2.25%, जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 3 रुपये। तो ये 3 रुपये आपको जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से आपको जो कब डिडक्शन करना है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेट होती है वो हाफ ईयरली होती है। जैसे अभी जनवरी से लेकर जून तक का जो आप डिडक्शन करोगे तो वो आपको सिर्फ ओनली जून मंथ में डिडक्शन करोगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से जो 0.75% है। तो आपके एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन करना आपको 0.75 रुपीज़ और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा 2.25, जो टोटल हो गया 3 रुपये। तो आपको फिर नेक्स्ट है कि डेट ऑफ डिडक्शन, जो आपको डिडक्शन जो मैंने आपको बताया कि जून में करना है और 31 दिसंबर, जो भी आप जून मंथ की और दिसंबर की सैलरी मंथ प्रोसेस करोगे तो उस मंथ में आपको डिडक्शन करना है। फिर रिटर्न के ड्यू डेट क्या है, 15 जुलाई और 15 जनवरी। दोस्तों, जो अभी तक जो रिटर्न थी दिल्ली लेबर फंड की वो ऑफलाइन थी, तो अब जो रिटर्न्स हो गई है वो ऑनलाइन हो गई है, जो नोटिफिकेशन आया था 1 जुलाई 2022 को। तो इस ऑफिस ऑर्डर के रिगार्डिंग अब आपको जो भी रिटर्न्स फाइल करनी है जुलाई से वो आपको ऑनलाइन फाइल करनी है। तो जो इसमें जो वेबसाइट दी है वो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जहाँ से आपको ये आपको जमा करना। और इसमें आपको सर्विस दी गई है 6 सर्विस, जिसमें आपको कौन कौन सी आपको फैसिलिटी मिलती है। फिर आपका क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट एज पर द बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953। तो आप दिल्ली लेबर फंड का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। सेकंड है कि अमेंडमेंट एंड अपडेशन इन द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आल्सो। तो आप इसमें आपको कुछ भी आपको अमेंडमेंट करना हो, या एम्प्लॉय की डिटेल्स में अमेंडमेंट करना है, या एम्प्लॉयर के एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल्स में अमेंडमेंट करना हो, तो आप थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अपडेट है। अगर इसमें आपको ऑफलाइन प्रोसेस में बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है जिससे प्रॉब्लम्स होती हैं, आसानी से आप ऑनलाइन अमेंडमेंट भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आता है ऑनलाइन सबमिशन एंड डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन विद डिटेल बाय द एम्प्लॉयर। तो आपको जो भी डिटेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन डेट है वो आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की दोनों को ऑनलाइन ही आपको जमा करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड है। फोर्थ पॉइंट है ऑनलाइन सबमिशन एंड डिपॉजिट ऑफ अनपेड एक्यूमुलेशन फाइन विद डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर। तो जो भी आपको ऑनलाइन आपका जैसे कोई अनपेड अमाउंट पड़ा है तो वो भी आप जमा कर सकते हो, या फाइन विद डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज, जो भी आपने एम्प्लॉय पे फाइन लगाया वो भी आप थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के आप जमा कर सकते हैं, या आप डिटेल्स दिखा सकते हैं। ऑनलाइन क्लोजर ऑफ एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपका कंपनी एस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो चुकी है तो वो ऑनलाइन का भी आपको फैसिलिटी दे रही है, तो आप वहाँ से जाके अपने क्लोज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने अभी तक क्लोजर नहीं किया तो आप अपने ऑनलाइन दिल्ली जो वेबसाइट है इस पर जाके आप क्लोजर कर सकते हैं। सिक्स आई एंट्री एंड अपलोडिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर दिल्ली लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। तो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज की डिटेल्स भी कर एंट्री भी कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है, बल्क में और इंडिविजुअली भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये 6 सर्विसेज दी गई हैं जो अभी नई वेबसाइट आई है। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको जो वेबसाइट है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करना है, तो आपको ऐसा वो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एस्टेब्लिशमेंट अंडर दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड। तो आपको यहाँ पे अगर आप सभी अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आएगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको न्यू यूजर पे आपको क्लिक कर देना, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करना, फिर आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आते ही आपको फिर आपको ये एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लेके जाएगा। तो अपनी जो भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, या जो भी आप डिटेल्स फिल करना चाहें, आपको यहाँ पे आप इसमें डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जिसमें आपका एड्रेस, पैन, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपको यहाँ फिल करना है। फिर आप अपना पासवर्ड बना के आपको सबमिट पे
क्लिक कर देना, तो आपका यहाँ का यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। जो भी फैसिलिटी है वो आप ऑनलाइन जो छह सर्विसेज आप ऑनलाइन लॉगिन करके आप अपनी कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन और रिटर्न आप आसानी से जमा कर सकते हैं। तो दिल्ली लेवल फेयर फंड ने भी ऑनलाइन कर दिया, आशा करते हैं कि जो धीरे धीरे स्टेट है सभी में ऑनलाइन रिटर्न हो जाएंगी, तो जिससे आप जो कंप्लाइंस है वो आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि ऐसे ही अपडेट अमेंडमेंट होते रहें जिससे एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिट मिले और एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। थैंक यू।